बच्ची है हमारी तुम्हारे नाल ड्यूटी करे कार ना कम करे मैं का कपसा नाल का कपे कोई बैंसा ना हो जड़ा गोबर आओ सटे मैं तारना क्यों बिल्कुल गछो नहीं ना बच्ची के पढ़ाने ना फायदा कोई नहीं बस नहीं माहौल नहीं माड़ा माहौल नहीं जे बच्चियों की दीनी तालीम दी जाए तो फिर तो ठीक है तो जे दीनी तालीम ना हो तो फिर शरीयत ने खिलाफ आ ये सब जितने स्कूल है सब बंद हो संडे गुजार के आए हैं सारे कैसा गुजरा आप लोगों का संडे बहुत अच्छा वेरी गुड हमने अहद किया कि हमारे पास जो इल्म है वो हम आपको सिखाएंगे और आप अपने आप से प्रॉमिस करें कि जो टीचर सिखाएंगे वो हम सीखेंगे चले ठीक है अपनी अपनी क्लासेस में चले लाइन बाय लाइन ये लोग लड़कियों को तालीम देने के बिल्कुल खिलाफ हैं बिल्कुल तो लोग हमसे यही सवाल करते हैं कि आप इस इलाके में ये स्कूल क्यों चला रही हैं औरत को पांव की जूती समझा जाता है घर का काम करना बच्चे संभालना पानी भरना या खेतों में काम करे औरत बस इसके अलावा औरत की पैदाइश का कोई और मकसद नहीं है और यहाँ इन लड़कियों को स्कूल में लाना बहुत ही मुश्किल काम है यहाँ बस ये मजदूरी ये है वो जो लोग कमाते हैं वो शाम को खाते हैं वो और बच्चों का पेट पालते हैं बस 300 या 200 या 300 रुपये से तो वो मसाए घर का किचन ही चल सकता है जी ये मदरसा इस गांव में गए हैं कुछ लोग वो करानी फंस करके वापस आ गए हैं बच्चे इधर ताकि लाजमी है इस्लामी तालीम भी दीनी तालीम भी लाजमी है दुनियावी भी लाजमी है इसकी सफाई थोड़ी जी है ना ये ना टिक पे ने सिरा पर सारी इधर स्टील लगना ने सारा स्टील लगना तक नज़र शिका देखो ना ये चीज़ें दी है ना ये जो ज़मीन दी है ये मैंने ही दी है मेरी अपनी ज़मीन थी हमें आगे जाना था मगर किसी वजह से किसी मजबूरी की वजह से वहाँ ही रुक गए हैं इधर घरेलू आदि कुछ ऐसे थे आगे नहीं चल सके मैंने ये सोचा है बस अगर मैंने जा सका आगे लेकिन अपनी इंशाल्लाह अपने बेटू को पूरे गांव को मेरी यही कोशिश होगी जहाँ तक जाएं इनको मेरे जहाँ तक मेरे वास में होगा इंशाल्लाह इनको आगे ही खड़ेंगे इधर
हमने टॉपिक शुरू करना है ना, वो है हज़रत ज़ैनब अलैहिस्सलाम का। हज़रत ज़ैनब अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी और लाडली नवासी थी। वो बहुत ज़हीन, उनका अंदाज़े बयां बहुत पुर असर हो। तो ये लेसन पढ़ने के बाद मुझे ये बताएं, जब आपको घर वाले ये कहते हैं कि नहीं लड़कियों ने इतना पढ़ना है जी, बस बाहर नहीं जाना, अंदर बैठ जाओ, इस्लाम हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, तो फिर यहाँ पे इस्लाम फिर क्या कहता है औरत के बारे में? इस्लाम को ये इजाज़त देता है कि औरत को पूरा हक है कि वो भी मैदान में उतर आगे बढ़ने की कोशिश करे, जबकि मर्द ये कहते हैं कि औरत को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हमें ये करना चाहिए कि औरत को भी आगे बढ़ने की इजाज़त देनी चाहिए, इसको परमिशन पूरी मिलनी चाहिए। और आप इस माशरे में क्या चाहते हैं, क्या तब्दीली चाहते हैं औरतों के बारे में? जी अफशा, मैं इसमें डॉक्टर बनना चाहती हूँ और अपने गाँव को बदलना चाहती हूँ। अफशा बहुत नाइस बच्ची है, पढ़ाई में भी शुरू से ये हमारे पास है, छोटी सी हमारे पास आई थी नर्सरी क्लास में। मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट मिस इंग्लिश और उर्दू। मिस वो आसान है। मिस वो बहुत आसान है। सिंपल पॉइंट मिस ये मेरी छोटी बहन है, मिस इनसे ये मिस ये ऐसे इनको मिस आते हैं, डांट करते हैं, मिस की मुझे गुस्सा आ जाता है, जलन होती है आपको। बिल्कुल नहीं नहीं रूबी में कितने कंडे देना शौक तो बहुत था, पढ़ाया तू माँ पे वो खाली आने से ब्याह ही क्यों नहीं? पढ़ाई तो वास्ते रही हैं ये, चलो इन्होंने मुस्तकबिल ठीक है ना गए। जिस तरह अपनी शादी हुई छोटी उम्र है, जिस तरह ना इन्होंने करनी, वो आने ना पढ़ाओ नहीं पढ़ाना चाहिए बच्चे ऐ पढ़नी आन पे ये पढ़नी नहीं पे कदा थोड़ी जी और तगड़ी हो सी ना तो इतने नहीं आने बड़ी होगी जवान होगी इसकी अंदर बाहर ना गच्छन दी। कहते हैं कि पढ़ के ये तेज हो जाती हैं, आगे से जबान चलाती हैं, क्योंकि वो अपनी खुशियों और अपने हक मानती हैं। आखने भाई लड़नी ना लड़की पढ़ाना चाहिए ना ये आओवा तो असा जड़े हैं ना असा माँ बाप असा आपस ही सलाह की असा तो पढ़ा सा मैं इधर पिंडी कचहरी में होता हूँ जज साहब के साथ, मैं नायब कासद हूँ। हमने कहा है बहुत दफ़ा कहा है, लेकिन लोग कहते हैं कि जी नहीं बेटियों का क्या काम है पढ़ने का, ये बच्चे पढ़ते हैं, बेटियों दो चार जमातें पढ़ जाएं बस। उनको कई यानी कि रिश्तेदारों ने बोला है कि आप क्यों पढ़ा रहे हैं, मैंने बोला है मेरी बेटियाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ वो डॉक्टर बन जाए तो अच्छा है। डॉक्टर बनने के लिए तो पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़हर है, पढ़ने देंगे क्यों नहीं पढ़ने देंगे? हम घर घर जाते हैं ताकि वालदैन को इस बात के लिए राजी कर सकें कि वो बच्चों को स्कूल भेजें। इस इलाके में अभी भी बहुत सारे घर ऐसे हैं जहां बच्चे स्कूल नहीं जाते। बाज़ दफ़ा तो ये होता है कि गुर्बत की वजह से वालदैन अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते।
या फिर ये करते हैं कि दो चार जमातें जब बच्चे पढ़ लेते हैं तो उन्हें घर बिठा लेते हैं कि इनसे कोई काम वगैरह करवाया जाए जिससे आमदनी बढ़े। मियाँ तुसां नाल कोई नहीं जी? कोई नहीं वेखो। चलो तुसां नाल थोड़ी बहुत गल हो सकनी साड़ी। चार सारे सो बड़ा केड़ा बच्चा ओ पियो नार गया होए पिंडी स्कूल नहीं गेछ ने जी? कोई की हां बाल एक कोई बस क्या करने हो बाजी सात बच्चे सात ने सात तुसा घर बाल ले वे देखो मजबूरियां मां बाप सुनिया ना बच्चे आस्ते नहीं तुसा ने अपने इलाके च एक स्कूल थिया जिथे हर चीज तुसा फ्री मिली सकनी तुसा क्यों बच्चे स्कूल नहीं बाले? तुसा अपने तीन बच्चे की नहीं दसो? ए पांच साल नहीं है ए बच्चा इसु बड़ा बच्चा ठीक है हाँ ओ तुसा की नहीं दसो ठीक है? मेहरबानी अल्लाह हाफिज थैंक यू बेटा। माशाल्लाह सात बच्चे सोर्स ऑफ इनकम है नहीं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ मेरी कुलीग्स पूरी कोशिश कर रही हैं लेकिन अक्सर वालदैन नहीं भी मानते लेकिन हम फिर भी पीछे नहीं हटेंगे और हम एक ना एक दिन इस गांव को एक मिसाली गांव बना के छोड़ेंगे। पढ़े लिखे बच्चे यहाँ के होंगे और वो एक पहचान बनेंगे मेरे स्कूल की इस इलाके की। हमने अपने स्कूल में एक नई तालबा को दाखिल किया है उसका नाम जरीना है। ये बच्ची पहली बार किसी मॉडर्न स्कूल में आई है। उम्र में काफ़ी बड़ी है क्योंकि इसके वालदैन ने शुरू में इसको स्कूल नहीं भेजा। जरीना लोगों का प्रॉब्लम जो था वो ये था कि उनके बहन भाई बहुत ज़्यादा थे और स्कूल उसके वालदैन भेजते नहीं थे। उसको दर्स में डाला गया। दर्स में चूंकि बहुत ज़्यादा सख्ती की जाती है जरीना इतनी सख्ती सह नहीं सकती थी तो उसने दर्स से भाग आई वो। हमने जरीना को मुफ्त किताबें दी उसकी फीस भी माफ़ कर दी यूनिफॉर्म दिया। इतनी सहूलतें देने के बावजूद उसके वालदैन उसे स्कूल भेजने से हिचकिचाते हैं। पढ़ाई करती है तो कोई वो तो नहीं है प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं। आपके वालिद बेटा वो कहते हैं छोड़ दो। घर में सारा काम करती हूँ पानी भरती हूँ धोती और इन छोटों को उठाती हूँ बर्तन धोती हूँ सब कुछ करती हूँ तंग आ जाती हूँ। अल्लाह ताला को याद करती हूँ ताकि मैं पास हो जाऊँ और डॉक्टर बनूँ। एक प्रोजेक्ट हो रहा है जो हमने मॉडल बनाना है वो मॉडल उसका होगा जो आप सोचते हैं कि आपके इस गांव में क्या हो सके। अभी मुल्क हमारा कहाँ पे है पाकिस्तान और 20 सालों में 15-20 सालों में 30 सालों में वो कहाँ पे हो? मैं अपने गांव में देखना चाहती हूँ कि गैस नहीं है वाह यहाँ पर बिजली नहीं है बिजली आनी चाहिए मिस मैं कॉलेज कपड़े शूज घर में गिल्लियाँ पक्की हो जाए। मेरे गांव में डिस्पेंसरी हो। हम चाहते हैं कि डॉक्टर बनना चाहिए। देखिए कितनी चीज़ें बच्चों ने सोची हैं। जरीना जैसी लड़कियों को हम इस तरह के प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लेने के लिए लाते हैं तो ताकि उनमें कॉन्फिडेंस आए और उनमें एक हौसला पैदा हो जिंदगी से लड़ने का।
मैंने अभी कुछ सुन रहा है, अभी चौकीदार बनाया जी, अभी चौकीदार बना दी क्या पिस्तौल गन। बच्ची पैदा ही अगले दिन अस्पताल मुड़ी दो दो दिन मुकाकले भी ऑपरेशन कराल से मैं ना तो फिर मैं कर लो आखिर की थोड़े बच्चे हो तो उनको सही पाल ले लो। अब ये मेरी छोटी बहन है, मैंने कहा ये मुझे बुरी लगती है, मैंने कहा अब इसके बाद अगर और हुआ तो मैं इसको काट दूंगी। तो घर बार कैसे चलता है आपके, शोहर की तनख्वाह पे चल जाता है? नहीं तनख्वाह कम है तो उससे नहीं चलता, 5000 तनख्वाह है, 5000 तनख्वाह से अलावा मैं भाई हूँ बस कर्जा शर्जा बंदी। आपकी किस उम्र पे हुई थी शादी? 12-13 साल से। जरीना की काफी उम्र हो गई थी, मैं जब 16 साल की हुई तब शादी कर। अगर अगर अम्मी अबू ने मेरे लिए कोई पसंद किया तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं पसंद नहीं करूँगी, शादी नहीं करूँगी। Militant elements destroyed Peshawar's famous Khyber Bazaar. Islamabad mein do khudkush hamle. Dar to lagna hi acha betiyan kar shniyan shniyan cha dar to hona hi ana. इ जड़े दहशतगर्द धमाके होने इन गलों ने डर होना, कोई ऐसा हस्ता ही कुछ है तो फिर जान गए ही ना बचिया नहीं। अब इन लोगों का टारगेट भी हम लोग हैं स्टूडेंट, वो तो कौम का मुस्तकबिल होते हैं ना स्टूडेंट, और ये लोग कहते हैं कि हमारा टारगेट यही है। मिस पाकिस्तान में मैं मैं सारे इंसान में से दूसरे के बारे में अच्छा सोचे, इस दहशतगर्दी खत्म हो जाए। भाई बंद करे टीवी को, क्या करे बंदा, हर तरफ बम धमाके हो रहे हैं, इतनी जानें ज़ाया हो जाती हैं, हत्या के बच्चों के जहनों में भी इतना खौफ बैठ गया दहशतगर्दी का कि वो घर से बाहर निकलते हैं। और नहीं हुआ कल धमाका हुआ फिर थाने में हमला किया गया, दो धमाके हुए पेशावर में, दो धमाके हुए। देखिए आप बच्चे को भी पता है कि दो धमाके हुए हैं, बच्चे इतना डरते हैं, इनका गलत असर पड़ता है। अभी रिसेंटली हमारे यहाँ करीब का इलाका है सेहाला मॉडल टाउन, यहाँ पे धमाका अगर हो सकता है तो वहाँ से ये कितने से फासले पे है ये जगह, खास करके गर्ल्स स्कूल्स और टीचर्स फीमेल टीचर्स उनको उन्होंने टारगेट रखा हुआ है कि इनको ख़त्म कर दें या ये डर के मारे घर में बैठ जाएं, ताकि ये तालीमी निज़ाम जो लड़कियों का है ये सारा दरम बरम हो जाए। वो हमारे घर आया था, उसने कहा कि मैं आपको देखने के लिए आया हूँ, मैंने उसके साथ लड़ाई की और फिर अब्बू ने मुझे डांटा है, मैंने कहा दफा हो जाओ जाओ हमारे घर नहीं आना है, और पढ़ा लिखा ना भी होता तो कोई बात नहीं, मैं भी पढ़ी लिखी नहीं हूँ,
शक्ल तो अच्छी होती, उसकी बहुत बुरी थी। वो कहते नहीं तुम्हारी शादी 6 साल होगी। आपकी उम्र क्या है? हमारी उम्र 26 साल। तो आप क्या समझते हैं जरीना कुछ ज्यादा कम से नहीं है? क्या से? उम्र उसकी कम नहीं है ज्यादा शादी की? उम्र तो कम नहीं है लेकिन। पड़ी होती है वो तो पहले ही पढ़ चुकी है। जब मैं जरीना जैसी लड़कियों को देखती हूँ कि इतनी छोटी कम उम्र में उनकी शादियाँ हो जाती हैं, आप देखा जाए तो 15-16 साल क्या उम्र होती है एक लड़की की, उसके खेलने कूदने की उम्र होती है, तो इस उम्र में उसके ऊपर जिम्मेदारियों का एक बोझ डाल दिया जाता है, तो मुझे बहुत दुख होता है ऐसी लड़कियों पे। सैड नहीं, सी एच में से च के साउंड निकलती है, सी एच ए टी चैट। टी चैट ये अरेंज मैरिज थी, अपने वालदा ने पसंद किया था, तो फिर इसके बाद हमने तो शादी से पहले एक दूसरे को देखा भी नहीं था, शादी के बाद ही देखा है ये तो सारी बात, लेकिन ठीक रहा जो तस्वीर भी नहीं देखी थी? नहीं, तस्वीर मांगी थी लेकिन उन्होंने काफी झगड़ा किया था कि नहीं तस्वीर नहीं देते। हां इस मामले में जो मां-बाप की चॉइस होती है असल में ये था कि ये जब रिश्ते की बात हुई है तो तब मैंने पूछा वो पढ़ी कितनी है, उन्होंने बताया कि बीए किया हुआ, उन्होंने बीएड किया हुआ है, मैंने कहा चलो ठीक है बस, क्योंकि एक पढ़ा लिखा बंदा हो उसके साथ अच्छा बंदा वो गुजर जाता है जो है ना, और एडजस्टमेंट हो जाता है बंदा जल्दी। अभी सो मसला मेरे लिए सुबह नाश्ता मुझे करना होता है, घर में कोई भी नहीं होता, सारे जने मैं इधर ही सोया होता हूँ, लेकिन ये मैं अपने नाश्ते के लिए इनसे कहूँ कि नहीं जी आप मुझे नाश्ता नहीं मिलता आप स्कूल ना जाएं, ये कतई गलत बात है। देखिए अभी हो सकता है इन्हीं के जिन बच्चों को ये तालीम दे रही हैं पढ़ा रही हैं उन्हीं किसी बच्चे की दुआ में लग रही है कि दिन ब दिन हमें जो है ना वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। कुवत है क्या? कभी सोचा है? धकेलना सब इन चीजों को हम जब हरकत करने देते हैं तो हम क्या लगाते हैं? कुवत। लेकिन बेसिक जो आपका टॉपिक है वो है फोर्स। मैं जरीना के लिए तो कुछ नहीं कर सकी लेकिन मैंने अपनी जिंदगी का एक मकसद रखा हुआ है कि मैं जितना हो सका मैं अपनी बच्चियों को जो मेरे पास पढ़ रही हैं उनको एक बाशऊर मुकम्मल पढ़ी लिखी पाकिस्तानी बनाऊंगी।